11 तारीख से 17 तारीख तक 31वां सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है। इसके परिप्रेक्ष्य में मैं ये बताना चाहूंगा कि भारत देश में लगातार सड़क दुर्घटनाओं से हो रही मृत्यु के आंकड़ों से चिंतित होकर केंद्र सरकार ने कि प्रत्येक वर्ष जनवरी के प्रथम सप्ताह में लोगों को यातायात के नियमों के पालन करने के प्रेरित करने सुरक्षा सप्ताह में मौजूद अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अखिल पटेल जी, मनु व्यास जी, साहू जी, प्रदीप चौहान जी, एडीएम भोपाल नॉर्थ भाई सतीश जी, आप सब दोस्तों और साथियों, सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जाता है, आप सबको भी कोऑर्डिनेट करके यहाँ पे सब लाए होंगे। दोस्तों सिर्फ दो बातों में अपनी बात को खत्म करूंगा कि ये इसमें बहुत सारे नियम ऐसे हैं जिसका वाकई में हमें पालन करना चाहिए रात दिन। ये हमारी अपनी जिंदगी के लिए है, हमारे अपने बच्चों के लिए है, हमारी फैमिलीज के लिए है कि इसके जो रूल्स है अगर उसको हम फॉलो करेंगे तो हमको अपना ही फायदा है। लेकिन ये एक अमूमन देखने में ये आया है कि बस एक सप्ताह मनाना है, एक दिन मनाना है, हम लोग भी सोचते हैं चलो हाजिरी लगाया और सब लोग मिलजुल के उसको कर लेते हैं और पूरा दिल और दिमाग में नहीं उतारते। अगर वास्तव में इसको उतार लें और अवेयरनेस लोगों को लाने की कोशिश करें कि लोग इससे अवेयर हों, इसका फायदा उठाएं, और आज के दौर में ट्रैफिक जिस तरह से बढ़ रहा है तो आपको खुद को बहुत अवेयर होना पड़ेगा। बहुत सारे लोग एक चीज ये भी सोचते हैं कि मैं तो हेलमेट लगाया हूं, मैं साइड में चल रहा हूं। भैया साइड में चल रहा हो तो चल तो घर में नहीं रहा, चल तो रोड पे ही रहा, सड़क पे चल रहा, दूसरा घर आ गया तो भी तुम्हें लगेगी, तो उससे बचने के लिए भी तुम्हें जागरूक रहना है। तो कोशिश हमको सबको अवेयर करना ही करना चाहिए, ये बहुत अच्छी कोशिश सरकार के अधिकारियों की तरफ से रहती है, सरकार की तरफ से रहती है, इस कोशिश को आगे बढ़ाना चाहिए। इस पैगाम को आज लेके जाएं तो रैली है, अभी फ्लैग दिखाने के बाद ये रैली चली जाएगी, थोड़ी दूर के बाद ये रैली खत्म हो जाएगी। इस रैली का महत्व इतना ही होगा, लेकिन अगर इसके महत्व को वास्तव में प्रैक्टिकल बनाना है तो जो देख कर और सोच कर जाओ उसको थोड़ा खुद भी फॉलो करना और आगे भी कराने की कोशिश करना जिससे इसका सही मकसद हो। हाथ को ऊपर उठाए और जो मैं शपथ बोलूंगा उसको वाचन करें और कोशिश करें कि अपने जीवन में इसको उतार लें। मैं जोर से आवाज आनी चाहिए, शपथ लेता हूं कि स्वयं एवं आम नागरिकों की सुरक्षा एवं सुगम यातायात हेतु यातायात नियमों का पालन पूर्ण निष्ठा एवं ईमानदारी से करूंगा और मेरे स्वजनों को भी यातायात नियमों के पालन हेतु प्रेरित करूंगा। धन्यवाद। यातायात के नियम आपकी सुरक्षा के लिए हैं, इनका पालन करें और सुरक्षित घर पहुंचे। पालन अवश्य ही करें।